गाइस देखो यहाँ पे कितना मस्ती हो रही है। सब चिल्ला रहे हैं। ये है हमारी दीदी, इनसे मिलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप लोग गैस हो गए। बाय। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। ये देखो तीनों लेट गए। कैसे मिठाई ले रही थी? ओके। अरे भाभी काम लगी, भाभी मिठाई लेने गई है, मुंह मीठा कराएंगे। अब बारी है बच्चों का। अरे ये मम्मी है और ये देव को ले रखी है, आप सभी को पता है। लेकिन देव पीछे आगे अभी नहीं दिखेगा, अभी थोड़ी देर बाद दिखेगा। और ये है चूहा, मतलब इनकी जो है बच्ची। हम नाम रखे भाभी की बच्ची। जो लोग बोल रहे थे ना पिछले ब्लॉग में, एक मिनट शांत रहो, सामने देखो, शांत रहो थोड़ा। आप लोग मुंह में करिए। नहीं नहीं कट नहीं होगा। आप लोग खा लीजिए इसको। अब थोड़ा चिल्ला था आप लोग बोल रहे थे ना कि वो नहीं नहीं हाँ ये और अपना बोलने जा रही है। ये गाइस मेरा पुआ दी थी, फिर से बोलो, चुप रहो। पुआ दी थी। और गाइस जो बोली वो बोलो। अच्छा लगा आपको? कैसा लगा ये? पसंद है। कितना अच्छा लगा? अरे बाबा बोलो मत देखो, बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि बस अच्छा लगा? बाबा अच्छा लगा है। अच्छा अब कितना बाबा। ये दोनों भाभी के बच्चे हैं, ये और ये, और ये मतलब ये नहीं। भाभी की बच्ची है। मैं बताने वाला था कि ये दीदी की लड़की है, ये दीदी की लड़की है, मतलब इनकी लड़की। और ये हमारी दीदी है, सगी दीदी है। पहली बार दिखा रहे हैं ना। इतना सब चिल्ला रहे हैं। और मम्मी लगी है बस देव के साथ मस्ती कर रहे हैं। और ये है खाना में लगी है, इनको इस समय ज्यादा खाना खाना है। हाँ कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलो कुछ, शांत रहो, सब लोग शांत रहो, शांत रहो, कुछ बोलना। अरे गाइस बोलिए, हाय गाइस, शांत रहो एकदम। मेरा नाम यशी तिवारी, आपका नाम क्या है? हाँ वो बता देंगे कमेंट में। कमेंट अपना बोलो, अच्छे से बोलो, जो बोलते हो स्कूल में। मैं तो नहीं यशी तिवारी, जो भी। बाय गाइस। हमारा घर कहाँ है बताओ? Bye guys. जो बताना है बताओ, बोलेगी अच्छे से बता। अपने से बता, अच्छे से बताओ। Bye guys. Bye guys. Bye. बाबा। Bye guys. जल्दी बोलो, तू कितना सोचोगी? Bye guys. अच्छा सोच लो, अभी शर्मा रही हो। Bye guys. Bye guys. क्या? Bye guys. हाँ बोलो चलो। Bye guys. Bye नहीं हाय। Bye. और कुछ बताओ बाबा। Bye guys. ये देखो गाइस ननद भौजाई का प्यार है। कितना प्यार है, चाय लेके आए दीदी ये देखो राजा सब के लिए। ननद को ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा भाभियों को भी देखना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि जब हाँ। अभी प्रॉब्लम में है हाँ। अभी साथ दोगे तभी तो भगवान भी ध्यान देंगे। मेरी बहन बहन बन जाना चाहिए, और भाभी ननद वाला भी बहन है, बहन सहन है, और हमारी दीदू भाई है ऐसी ना। सही टाइम पे रिश्ते बदलने चाहिए। हाँ बदल लेना चाहिए तभी ना, तभी सब खुश रहते हैं। वैसे मेरे परिवार में ना मतलब ये ऐसे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे सास है, जेठानी है, ननद है, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। हमें लगता है हमारे मम्मी पापा भाई बहन दीदी ऐसे सब लोग हैं। वैसे है, कितना मस्ती हो रही है। भाभी भी तो है, तभी बहुत इंजॉय आज हम एकदम बहन की तरह रहती है, एकदम लग भी नहीं करता। कम कर पाई हम लोग ज्यादा किए नहीं दीदी, सब लोग यहाँ आके बैठे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। इसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सर दर्द करने लगा, सर दर्द करने लगा, तो इसलिए हम थोड़ा लेट गए। दीदी लोग फिर बाहर चले गए, मस्ती करने लगी।
फिर वो वहां जाके मस्ती करने लगे और हम कह दीदी बोले हम यहाँ नहीं करने वाले मस्ती, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। तो फिर हम लोग बाहर चले गए और हम अंदर बैठे रह गए, लेकिन आज बहुत बहुत मजा आया है। सुन तो रहे थे सब, तो हम सुन रहे। देखा गाइस अभी क्या हुआ है, हम तो ध्यान दे रहे हैं ना। क्या हुआ है, बांधा गया है, ये ठंडी लग जाएगी। हाँ तो क्या, ऑपरेशन से अगर बच्चा होता है तो ये सब बहुत जरूरी है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइए मेरी दीदी कैसी हैं, आप लोग को कैसी लगी, सब कुछ कमेंट पर कमेंट करके बताइए दीदी के लिए खास कर। उस पर लिख दीजिएगा कि सिर्फ दीदी के लिए ये मैसेज लिख रहे हैं। गाइस राधा हमें कुछ बताने वाली थी, चाय पीते पीते ही बताने लगी हम के इसको भी हम रिकॉर्ड करके सबको सुनाएंगे। बताओ। मैं ये कहना चाह रही थी मेरा बाबू हुआ है तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा बाबू ऑपरेशन से हुआ है, मैं सारी दर्द ही भूल गई हूँ। और ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ, मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है मेरी शादी हो दी हो, क्योंकि शादी जैसे ही यहाँ पे सब। हाँ, आज की डेट में ना एकदम शादी जैसे ही लग रहा है सब। कितना मस्ती कर रहे हैं, इतना हल्ला हो रहा है ना। जब शादी होती है तो वो बहु लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते और ये वो सब चीज करते, वैसे मेरा हाल है। अभी दरवाजा नहीं खुल पा रहा, खोलने ही नहीं दिया जा रहा है, कोई भी अंदर नहीं आता। अंदर अंदर आओ तुरंत भाई, बाहर निकलो, ऐसे कह रहे हैं। तुरंत बंद हो रहा है दरवाजा। तो हम इनसे बहुत बार बार कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी है मेरी। छठी का दिन भी कितना शादी जैसा ही होता है, एकदम मैच कर रहा है, जैसे त्योहार टाइप में लग रहा है। जैसे सब दीदी, बड़ी वाली दीदी आई है और मेरी ननद आई है और सबको आए, बहुत लोग आए हैं आज। तो सब ऐसे मतलब वो शाम को निमंत्रण होता है ना, तो वही सब खाना खिलाते हैं और दीदी लोग खाना बना रही हैं। अभी दीदी और भाभी मिलके खाना बना रही है। हाँ। वो भी दिखा दें क्या इसी में? दिखा दीजिएगा ना। हाँ, दोनों मम्मी भी वहीं जाके खड़ी हो जा रही है बाहर। अरे मम्मी खड़ी नहीं हो रही, मम्मी भी बहुत हेल्प कर रही है। हाँ, तो बाहर का सामान वमान ला के दे रही है। हाँ, बाहर का जो बाहर, लेकिन खाना बना नहीं रही है, कोई बनाने नहीं दे रहा है। बस दोनों दीदी बना रही है, बस मम्मी थोड़ा थोड़ा सामान ला के दे रही है। वही बात चल रही है। कहाँ पे चाय पियेंगे हम? चाय कहाँ पीते हैं? कहते हैं ना कि गरम गरम चाय हो, गरम गरम चीजें खाने से ना टाका बहुत जल्दी पक जाता है ना। कैसा सच है गाइस? और अगर सच है तो आप लोग बताइएगा, इसीलिए हम गरम गरम चीजें खाते हैं ताकि हमारा मतलब। खाते नहीं पीते हैं। खाते भी है, खाना भी तो खाते हैं। ये तो मान लीजिए चाय है, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं गरम गरम, और दाल रोटी ये सब चीज खिलाया जाता है, और ऑयली चीज कोई नहीं खिलाता। कहते हैं कि ऑपरेशन में ऑयली वाला चीज नहीं खिलाना चाहिए। अब आपको बाबू भी दिखेगा शायद इस वाले ब्लॉग के बाद, पक्का प्रॉमिस। पक्का। और बाबू यहीं पे है, ये यहीं पे है। हाँ, पक्का दिखेगा। हो सकता है आज ये ब्लॉग ना आए, हो सकता है हम लोग आज बना रहे हैं कल डालेंगे, क्योंकि आज छठी है तो आज तो हम एक डाल चुके हैं, तो हो सकता है इसको हम कर डालें। उसके बाद कल ही हो सकता है वो वाला भी ब्लॉग आए जो बाबू का होगा। हाँ पक्का। हाँ पक्का। अब बाकी मान लो कच्चा भी हो सकता है। जैसे हाँ। रात को अगर ज्यादा लेट हो गया तो दो ब्लॉग एक साथ अच्छा नहीं रहेगा ना। तो हो सकता है, नहीं तो परसों तो पक्का ही है। बाकी शॉर्ट्स में जो हम शॉर्ट्स बनाते हैं उसमें कल आ जाएगा बाबू पक्का, लेकिन ब्लॉग पे हो सकता है कि कल ना आए। ये बताइए क्या मतलब, जैसे ऑपरेशन होता है तो कान ऑन वगैरह बांधा जाता है क्या? और ऑपरेशन में क्यों सर दर्द इतना करता है और बहुत मतलब भयंकर, चाहे सो के उठो चाहे। अच्छा मतलब ये भी बता देना आप लोग गाइस, क्या सर दर्द भी करता है क्या? हाँ, तो आप लोग बताते हो ना तो राधा भी खुश होती है, हम भी खुश होते हैं कि मतलब कई लोग बता देते हैं एक साथ ना, तो मतलब अच्छा लगने लगता है कि सही में हुआ है आप लोगों के साथ। गर्मी में रहा करो, स्वेटर पहन के रहा करो, कान बांध के रहा करो, गरम गरम चीजें खाया करो। और सर दर्द करता तो तेल खूब ढेर ढेर सारा मम्मी लगाती हैं। मम्मी मतलब मेरी सासू माँ खूब ढेर सारा, 3 बार मेरे सर पे तेल लग रखते हैं। मैं ना इस समय क्या बताऊँ, मैं तेल से नहा चुकी हूँ। तेल से नहाती रहती है, तेल से नहाती हूँ बहुत। ओके गाइस अभी ये ब्लॉग एंड करते हैं, बड़ा हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बाबू को देखना है तो, और हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। अभी तक तो नहीं बोल रहे थे, मैं बाप बोल रहे हैं, लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर, बाय बाय।